100 किलोमीटर। सोचिए सबसे छोटका का ये हाल है जो 1%। सोचिए मेंटल, समुंदर बहुत गहरा नहीं होता है, दुनिया का सबसे गहरा नाम मरियाना खाई 11 किलोमीटर। लेकिन एक गड़बड़ देखिए, अगर किसी समुद्र के नीचे बार बार ज्वालामुखी फूट रहा है, जो हम लोग सबसे पतरका कह रहे थे ना, इसको इससे दूरा कितना है? 100 किलोमीटर। कितना है? 100 किलोमीटर। हम लोग जो घर बनाते हैं ना, छत हम लोग का होता है 6 इंच का। कितने का? 6 इंच। और ट्रेन का जो ब्रिज बनता है 2 फीट का। कितना फीट का? 2 फीट का। और हैवी लोडेड रहेगा तो 4 फीट हैवी लोडेड रहेगा। तो ससुरा 100 फीट नहीं, 100 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 100 किलोमीटर। सोचिए सबसे छोटका का ये हाल है जो 1%। सोचिए मेंटल 83% है। आइए कोर, तो हम लोग किस पे रहते हैं? क्या क्रस्ट सपाट है? नहीं। क्रस्ट की मोटाई कितनी है? क्रस्ट की मोटाई 100 किलोमीटर है। बहुत मोटा है। कौन ये कौन सी निकल गया जी? ये क्या है? क्रस्ट। ये हो गया क्रस्ट। आइए आइए कोर, हम क्रस्ट को बनाते हैं इसे। ये क्रस्ट, क्रस्ट जो है ये क्या है? क्रस्ट है। अब इस क्रस्ट में कहीं कहीं खाली जगह दिख रहा होगा। हाँ, ये समुंदर है। क्या है? प्रशांत महासागर। छोटका हो गया हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर। ऐसे ही एक दुगो और कहीं कहीं सागर महासागर हटा दीजिए आप। यानी जो 100 किलोमीटर का क्रस्ट है ना, उसी में ऊपर तनी से एक तनी मनी क्या है? समुंदर। समुंदर बहुत गहरा नहीं होता है, दुनिया का सबसे गहरा नाम मरियाना खाई 11 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 11। तो बबुआ 100 किलोमीटर में 11 किलोमीटर धंसिए गया तो का दिक्कत? का दिक्कत? कहीं ले पहुंच जाएगा। यहाँ से ये कहेगा कि बबुआ जितना हो उतने भर रहो। आई मेंटल कहेगा इधर आने की भी कोशिश मत करना है आप। यहाँ से क्या आता है? भूकंप। और कभी कभी भूकंप हुआ यहाँ आता है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ आया तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ आया तो कोई दिक्कत नहीं। कभी कभी खचरा भूकंप हुआ समुंदरवा पे धबाक दे मारता है, मादे धबाक से पूरा पानी छिटा गया ऊपर, उसी को कहते हैं सुनामी। बताइए उड़ा मरला भी ना का जरूरत है रे भाई, वो क्या आ जाता है? सुनामी। अब कटोरा में पानी लेके नीचे ऐसे धबाक से मार दीजिएगा तो आइए जाएगा सुनामी। अब तो समुद्र के नीचे आने वाली भूकंप को सुनामी, और बाकी जगह गया तो? तो भूकंप की तरंगे कहाँ से शुरू होती हैं? हाँ, मेंटल से होती हैं। अच्छा, ज्वालामुखी भी कहाँ से निकलता? ज्वालामुखी भी मेंटल से निकलता है। यहाँ पे तो ज्वालामुखी से क्या निकलता है? लावा, धधकता हुआ आग का गोला। अगर ये धधकता हुआ आग का गोला मेंटल से निकला, कहाँ से निकला? अब बाहर निकला तो कोई दिक्कत नहीं है, क्या बनेगा? लावा बनेगा। ठंडा होके क्या बनेगा? लावा। जब तक ये गर्म रहता है ये तो क्या कहलाता है? मैग्मा। जब तक गर्म रहता है आ फिर क्या बन जाता है? क्या बन जाता है? लावा। लावा ठंडा होके चट्टान बन जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं बड़का बड़का पत्थर। उसको बुलडोजर से तोड़ तोड़ के गिट्टी बना देते हैं, और वही गिट्टी लिया के घर में ढलैया कर देते हैं, और लड़की सब ऐसे बीती बीती खेलती है ऐसे दुकान। पांच गो गिट्टिया लेके, हाँ पांच गो। पहला राउंड में एक गो फेंकेगी एक गो उठाएगी, दूसरा राउंड में एक गो फेंक के दो गो उठाएगी, तीसरे राउंड में एक को फेंक के तीन गो उठाएगी। ऐसे ही होता है ना। ये सब खेल ओलंपिक में है, ये नहीं है। नहीं तो लड़की सभी खूब ली आती गिट्टी पर। हाँ बहुत होता है यार। उस खेल को क्या कहा जाता है? बीती बीती उतर, बीती बीती आई होता है। एकरा पते नहीं है बैला को। आगे बढ़ो। एकरा नहीं पता है, मैं भगलोल कहीं का। चलो इधर सब, दाना गोटी थोड़ी होता है। अरे दाना गोटी दूसरा होता है। कौन बिया हुआ लेके आई लाती है हाथों में, कैसे ऐसे हिलाती है? फूटल चूड़ी ले लाती है, फूटल चूड़ी है। वो दूसरा होता है, ये आपको कुछ ना पता है बकलोल से। आगे देखते हैं। ये जो हो गया लावा कहाँ चल गया? बा कहाँ चला गया? बा अच्छा, कभी कभी ये लावा जो होता है ना जंगल में चल जाता है। कहाँ चल जाता है? जंगल में चल जाता है। जंगल में चला गया, अगर मान के चले कहाँ चल गया? जंगल में। भूकंप का ज्वालामुखी कहाँ फूटा? जंगल में।
ले ससुराल, जंगल में फूटेगा, जंगल में आग लग जाएगा। अच्छा पेड़ और गिरेगा से उसके ऊपर पूरा लावा जम जाएगा। अब उस ससुराल नीचुआ पेड़वा को दाब के ऊपर चढ़ गया, जलियो नहीं पाएगा, जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए ना, चढ़ गया लावा ऊपर, पेड़वा को जात दिया नीचे, पेड़वा कर अब हम जलेंगे, तो जलने के लिए क्या चाहिए, जलने के लिए ऑक्सीजन, और चाँद के बैठल ऑक्सीजन नहीं देगा, वही दबा के बन जाएगा कोयला या पेट्रोलियम, क्या बन जाएगा कोयला या पेट्रोल, तनी मनी सूंघ लेगा ऑक्सीजन तो बनेगा कोयला, और तनिको नहीं सूंघ पाया तो पेट्रोलियम, क्या हो जाएगा पेट्रोलियम बन जाएगा, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अच्छा यही ज्वालामुखी अगर यहाँ से धधक के निकला आई समुन्दरवा में चल गया, ना ना भूकंप रहेगा तब ना सुनामी, समुन्दर में रहेगा तो सुनामी नहीं, वो तो जैसे आग की तरह धधक के निकलेगा, अब मान के चलिए वहाँ को मछली आराम करी थी, धधक गया मछली के ऊपर, बेचारी जर के मर जाएगी वहाँ पे, यहाँ पे क्या हो जाएगा मर जाएंगे। तो यहाँ अक्सर नीचे से ज्वालामुखी आता है, ज्वालामुखी आराम से फूटता है, ज्वालामुखी निकला समुन्दर के नीचे, मछली केकड़ा में अगर सब दब के मर जाता है यहाँ पे, और उसके ऊपर ऐसे जम जाता है कौन सा मैग्मा, मैग्मा ठंडा हो गया तो लावा जम जाता है, इसलिए वही क्या बन जाता है पेट्रोलियम। तो देखिए ज़्यादातर पेट्रोलियम कहाँ से निकाला जाता है, हाँ समुन्दर में, समुन्दर में पानी वाली जहाज खड़ा करते हैं और वहाँ से पाइप बोर करते हैं और नीचे से ले आ देते हैं। सोचिए कोई मरा था उसी का हम लोग पेट्रोलियम यूज कर रहे हैं। पेट्रोलियम जीव का अंश होता है, जीवाश्म कहते हैं, क्या कहते हैं जीव। अच्छा अगर समुद्र के अंदर ज्वालामुखी आया तो सुनामी, समुन्दर के अंदर ज्वालामुखी आया था सॉरी भूकंप आया तो, समुन्द्र के अंदर भूकंप आया तो, ज्वालामुखी निकला तो पेट्रोलियम। लेकिन एक गड़बड़ देखिए, अगर किसी समुद्र के नीचे बार बार ज्वालामुखी फूट रहा है तो पेट्रोलियम बनने की संभावना तो बन रही है, लेकिन धीरे धीरे उस समुद्र का तल ऊपर आ रहा है और ये घातक हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर ऊपर से पानी वाली जहाज जा रही है उसको तो ऊपर ही दिखेगा, अब पेंदिया रगड़ा जाएगा उसका, किसमें, नीचे का जो चट्टान जमा है और वही पेंदी रगड़ा के डूब जाएगा वहां। समुद्र के अंदर ऐसे चट्टानों को रिज या कटक कहते हैं, रिज या कटक, रिज या कटक। तो कटक कहाँ बनते हैं, कटक कहाँ बनेंगे समुद्र में, कहाँ बनेंगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, समुद्र में बनते हैं यहाँ पे। और पेट्रोलियम भी ज्यादा कहाँ देखने को मिलते हैं, समुद्र में ज्यादा देखने को मिल जाते हैं। आगे बढ़ जाए ना, कोई दिक्कत नहीं। अगर भूकंप ऐसे किसी दिन दबा के आ गया भूकंप, ऐसा मारा धाय दे कुल पानिया बाहर चल जाए, कुल पानी फेंक दे बाहर, आ एक धक टान दे ऊपर, ले भूकंप टान दे ऊपर, पूरा पानी चल गया बाहर। ऐसा ही था सहारा मरुस्थल, समुन्दर था पहले, दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है ना सहारा मरु, क्या था वो, समुन्दर था, मारा ठान दे तान दिया सहारा मरुस्थल को, सहारा मरुस्थल ऊपर निकल गया, यहाँ पे कुल पानी दह गया, बेचारा मगरमच्छों को मर गए से वहां पे, इतना ना टान दिया ऊपर, सब पानी डगर गया, वहां बारिश उरिश का कोई रास्ता नहीं, मरुस्थल बन गया। समझ में गया, कहियो ढकेल मध्य पृथ्वी पटना को, हम पढ़ा रहे हैं मारे धाय से नीचे जा तुरी का कहां गई लो, यहाँ हम लोग भी क्या बने रहेंगे, पेट्रोलियम, क्या बने रहेंगे पेट्रोलियम।